खबर रीवा से है, जहां गोविंदगढ़ थाना के सुपुरवा चौकी अंतर्गत डीही गांव का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें फरियादी प्रमोद त्रिपाठी ने बताया कि अशोक त्रिपाठी, नेहा त्रिपाठी, सुरेश त्रिपाठी और सरोज त्रिपाठी के द्वारा उनकी बेटी रुचि त्रिपाठी को बीते 26 अगस्त को शाम 6 बजे जब वह अपने घर डीही में गाय बांध रही थी, तो अशोक त्रिपाठी निवासी डीही के द्वारा अश्लील बातें करते हुए पकड़ने का प्रयास किया। हल्ला मचाया गया तो परिजन पहुंचकर बीच बचाव की और मामले की शिकायत सुपुरवा चौकी में दर्ज कराई गई। घटना के 4 दिन बाद 30 अगस्त को पुनः आरोपियों द्वारा मामले की शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और घर में घुसकर सामान के साथ तोड़फोड़ भी की गई और मारपीट की गई, जिसका आवेदन थाना चौकी में दिया गया है, लेकिन कार्यवाही न होने से फरियादी का कहना है कि मुझे न्याय नहीं मिला है। फरियादी प्रमोद त्रिपाठी और उनकी पुत्री रुचि त्रिपाठी ने क्या कहा है, आइए सुनाते हैं। मामला यह है कि 26 तारीख की शाम 6 बजे ये अशोक त्रिपाठी हमारी बच्ची से आया तो गाली रोज करके गंदी गंदी गाली देते हुए बिगड़ गया और गंदे नियत से आया। मैं अंदर था, मेरी पत्नी भी अंदर थी, पर हल्ला हुआ जब बचाई वो तो आया, हम लोग भी आए बाहर, तब तक वो फरार हो चुका था। उसके बाद गए चौकी में रिपोर्ट लिखवाए, इस तरह चौकी में रिपोर्ट लिखी गई। फिर एक दिन बाद फिर से, मतलब 30 तारीख की बात है, आया रात में, सारे लोग आए, चारों लोग आए और बोलने लगे कि हमने केस को जो लिखवाई चौकी में जाके उसको वापस कर लो, तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारी नीयत को नहीं जानती हूँ, जानते हो। तो हमने मतलब बाहर मचाया, फिर तोड़ फोड़ करके भाग गए। उसके बाद फिर हमने थाना गया रिपोर्ट लिखवाने के लिए, थाने की रिपोर्ट नहीं दिखाई गई। इस तरह से हम लोग सब न्याय नहीं मिल पा रहा है, कई सालों से इसलिए इतना आतंक फैल चुका है कि हम लोग दहशत में जी रहे हैं। जितने लोग भी मतलब इसको सही राय देते हैं, सही बात बताते हैं, उसको भी झूठे मुकदमे फंसाने की कोशिश करती है और कई लोगों को फंसा भी चुकी है। एक बार ये बंसल के केस में जेल भी जा चुकी है और इसी तरह से मतलब इसका आया दिए पैसा हो चुका कि छोटी छोटी बातों में लेकर ये लड़ाई झगड़ा करती है और आके यहाँ कार्रवाई करके मुकदमे काम करवाना चाहती है। मेरा नाम त्रिपाठी है। क्या घटना हुई? घटना ये हुई थी कि 26 तारीख को शाम 6 बजे मैं अपनी गाय बांध रही थी, तो अशोक त्रिपाठी आया और बोला तुम यहाँ से नहीं निकलोगी, तुम्हें अपनी गाय नहीं बांधोगी, आप यहाँ से नहीं निकलोगी। तो मैं बोली कि आम रास्ता दिया गया है, मैं यहाँ से निकलूंगी। बोला कि नहीं निकलोगी। इसमें फिर इसके बीच में आया तो लिपटे करने लगा, मारपीट करने लगा, गाली गंदी गंदी गालियों का उपयोग करने लगा और मैं हल्ला करने लगी, मेरे से लिपट गया, मैं हल्ला करने को हार करने लगी। उसके दौरान मेरा भाई और मेरी मम्मी आई तो फिर आरोपी भाग गया। फिर उसी शाम में गई पुलिस चौकी में रिपोर्ट करने, FIR दर्ज करवाने, तो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट तो बड़े हल्के मामले मतलब दर्ज किए, फिर उसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई। फिर 30 तारीख को रात 10 बजे वो और उसके अशोक त्रिपाठी और उसका बाप सुरेश त्रिपाठी और उसकी बहन नेहा त्रिपाठी और उसकी माता सरोज त्रिपाठी रात को समथिंग 10 बजे मेरे घर आए लाठी डंडा लेके, तो बोले कि तुम अपना केस वापस ले लो नहीं तो हम तुमको जान से मार डालेंगे। हम लोगों ने बोला नहीं, हम लोग अपने केस वापस नहीं लेंगे। बोले नहीं, तुम केस अपना वापस ले लो नहीं तो हमको जान से मार डालेंगे, इसकी जाँच की जाए। इसकी जांच नहीं होती है और अगर कोई हमारे पक्ष में बोलता भी है, सही बात भी हमारे पक्ष में कोई अगर बोलता है वो उसके ऊपर भी मुकदमे कायम करती है। तो मैं ये चाहती हूँ कि इसकी जांच की जाए, फिर हम लोगों पर कोई मुकदमा कायम किया जाए।